बारह देखिए, एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक सिक्के को दो बार उछालेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक सिक्का को दो बार उछालने पर क्या हो जाएगा? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, हम लोग ई एक घटना ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कम से कम एक पट प्राप्त होना। तो कम से कम एक पट प्राप्त होना, तो देखिए, तो कम से कम एक पट, एक से अधिक भी हो सकता है, यानी कि इसमें आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही ना हो सकता है जी। तो हाँ, इसके देखिए परिणाम टोटल इसमें तीन है और प्रतिदर्श समिष्ट में आपके चार हैं। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है घटना ई की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, NE/NS, यानी हो जाएगा आपका 3/4 इसकी प्रायिकता। आ गई, समझ गए? क्वेश्चन नंबर